हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी डीएलएड की क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक है आपका युगपत समीकरण। तो साथियों ये सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको समीकरण अगर सीखना है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, एंड तक देखना पूरा। पहले हम बात करते हैं कि समीकरण क्या होता है। ये बात तो आपने पिछली क्लास में भी देख लिया है कि एक ऐसा संबंध होता है ये जिसमें जो दिया गया चर होता है वो किसी एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होता है, वही समीकरण होता है। और अगर हम बात करें इसमें रैखिक समीकरण क्या होता है, तो वो समीकरण जिसकी अधिकतम घात सिर्फ एक होती है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। इतना भी आपको क्लियर है। लेकिन इसमें एक नया शब्द है सिमुल्टानियस, मतलब हिंदी में जिसे युगपत बोलते हैं। तो भाई ये युगपत समीकरण क्या है? युगपत, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आपने युग्म सुना होगा, जैसे दो का संबंध एक प्रकार से। इसकी डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात राशियां हों वह युगपत समीकरण कहलाते हैं। युगपत समीकरण के लिए हमेशा दो समीकरण दिए होने आवश्यक हैं। लेकिन अगर रैखिक युगपत तो मतलब उनकी अधिकतम घातें एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 3x धन 4y इक्वल 24 है ना, इसमें दो अज्ञात राशियाँ हैं, एक x है एक y है। इसमें x और y के मान अलग अलग हो सकते हैं। इसमें भी देखो 9x प्लस 6y इक्वल 17, ये दो अज्ञात दो चर राशि वाले युगपत समीकरण आप इन्हें बोल सकते हो। इसके बाद तीन अज्ञात राशि वाले भी समीकरण आप बना सकते हो। तीन अज्ञात राशि वाले में जैसे लिख लो 3x माइनस 5y और धन 7z बराबर 1, और यहाँ पे आप लिख लो 1 माइनस 8x प्लस 5y और माइनस का 11z बराबर 7। तो ये तीन अज्ञात राशि वाले युगपत समीकरण हैं, जैसे x, y, z तीन अज्ञात राशियाँ हैं, इन्हीं को बोलते हैं युगपत समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आप इन्हें समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ चैनल पर बने रहिए जिससे कि आप पढ़ाई करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इनको हल करने की मुख्य विधियाँ। वैसे इनको हल करने की दो मुख्य विधि होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए युगपत समीकरण को हल करने की मुख्यतः दो विधियाँ हैं, मेन टू मेथड हैं, लेकिन ये मेन मतलब दादा बाबा वाले हैं, उनके बच्चे हैं फिर उनके बच्चे हैं, मतलब इनमें कई पार्ट हैं आपस में। कैसे? देखिए मुख्यतः तो दो विधि होती हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी विलोपन और वज्रगुणन विधि। लेकिन जो वज्रगुणन विधि हैं इनके कोई लड़के बच्चे नहीं थे या अकेले हैं, बट जो ये विलोपन विधि हैं इनके तीन रूप हैं, यानी इनके तीन लड़के हैं एक प्रकार से, ऐसे समझ लो। तो वज्रगुणन विधि तीन प्रकार से ये आपके सामने आएगी, और सॉरी वज्र नहीं विलोपन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप बोलते हैं, तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन वाला, और ये विलोपन विधि खुद एक आपस में है। तो मतलब विलोपन विधि को आप तीन प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। कोई अगर विलुप्त होता है, कोई अगर गायब होता है, कोई जादू दिखाता है, तो कई प्रकार दिखाता है ना, तो वैसे इसमें तीन मेथड होंगे। चलिए हम इन सब के बारे में बात करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे विलोपन विधि की, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि, फिर हम देखेंगे विलोपन विधि को खुद, ये विलोपन विधि क्या है, उसके बाद तब वज्रगुणन विधि आपको दिखाएंगे, पूरा देखना एंड तक। चलिए अब बात करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आखिर होती क्या है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप सीख जाओगे, फिर परिभाषा लिखवा दूंगा, लिख लेना। चलो देखिए बच्चा, ये दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों रैखिक समीकरण हैं, युगपत समीकरण हैं। 3x प्लस 2y इक्वल 9 और दूसरा है x प्लस 3y इक्वल 10। इसको हल करने के लिए सबसे पहला मेथड ये होता है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे बोलते हैं, कोई एक समीकरण पकड़ेंगे, उसमें से जो दोनों अज्ञात राशि हैं उनमें से किसी एक अज्ञात राशि का मान एक दूसरी राशि के रूप में निकाल लेते हैं। रूप में मतलब ये कि जैसे कि मैं किसी दूसरे का चोला पहन लूं और उसके रूप में दिखने लगूं। मतलब होली दिवाली पे देखते हो मोदी जी का लोग लगा लेते हैं मुखौटा तो मोदी बन जाते हैं, हाँ पुतला जलाते हैं तो मोदी बना देते हैं, देखियो ना ये सब। तो इसी तरह से तो हम करेंगे समीकरण दो से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए समीकरण दो से। तो बच्चा समीकरण दो से क्या होने वाला, ध्यान देना, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3y, ये हो गया समीकरण तीन। अब ध्यान देना ये कैसे हो गया, हमने x को ऐसे यहाँ रहने दिया स्वतंत्र रूप से,
इक्वल का चिन्ह लगा था वैसे लगा है, 10 उधर था वो उधर ही है, ये 3y को उधर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, x का मान y के पदों में निकाल लिया। y के पद में निकालने का मतलब कि जो x का मान आया उसमें y भी शामिल है। हाँ, ये हो गया, बस हो गया काम। अब क्या करोगे आप, जो x का मान आया है ये, इसको हम समीकरण चूँकि 2 से निकाले हैं तो अब 2 में तो नहीं रखेंगे, इसको हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब नीचे लिखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब आप कहोगे कि समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, हाँ समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, बड़ा सिंपल है यार, बहुत प्यार से इसको लिख लो बगल में और मैं रख के दिखा देता हूँ कैसे रखेंगे। इधर साइड में तो आपको दिख ही रहा अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान देना, इधर बगल में पहले हम उस समीकरण को लिख लेंगे, एक वाले को। तो लिख लो बच्चा, एक समीकरण है 3x + 2y = 9। इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है किसका, x का मान रखना है। तो 3 × x की जगह पे क्या रखोगे, बहुत ध्यान से देखो, 10 − 3y। तो 10 − 3y ये हो गया, और प्लस का 2y = 9, ये हो गया आपका। इसमें से आप इसको हल करो तो इसमें से आपको एक मान आ जाएगा, y का मान निकल जाएगा। हल करके देखो, गुणा करोगे 3 × 30 माइनस ये 9y और प्लस का 2y = 9 आएगा। भैया देखो, ये प्लस माइनस घट जाएगा, जीरो लेवल मैथ में पढ़ाया हूँ, 7y = 9 आएगा। यहाँ से आप जब माइनस का 7y निकालोगे तो 9 − 30 आएगा, यानी y बराबर आप कह सकते हो माइनस का 22, क्योंकि सब ट्रैक होगा ना ये उल्टा, तो नीचे जाएगा ये 7 हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस है, क्या होगा भाई, माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा। आप देखो इतना सही है कि गलत है, पहले ये चीज़ आप ध्यान दो, सही है गलत है। देखो इसमें सब सही है, गलत ये है कि जब 30 में से 9 घटाओगे तो 22 नहीं आएगा बच्चा, ये 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा, ये माइनस साथ इधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा, यानी आपको y का मान 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, y का मान 3 मिल गया। अब जो ये 3 मिला है y का मान ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हम किसी भी समीकरण में रख के मान निकाल लेंगे। तो चलो क्या करोगे, अब आप समीकरण 3 में y बराबर मान रख दो, जो भी आया है आपको x का भी मान मिल जाएगा। और दो समीकरण हल करने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि x और y का मान निकल जाए। तो ये चीज़ आप लिख लिए होंगे, इसको लिख लो, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, y का मान हमारे पास आ गया है, अब हमें x का मान निकालना है। हम ऊपर समीकरण मिटा दे रहे हैं, आप लोग तो लिख ही लिए हो, अब लिखो। अब आप अपनी कॉपी में नीचे लिखो, हमारे पास जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। लिखो y = 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मतलब मिला था ये बच्चा x बराबर 10 − 3y, ये समीकरण 3 था, इसमें y का मान रख दो, y का मान 3 आया है, हल कर लो, x बराबर 10 − 9, यानी आप कह सकते हो कि x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी आपको x का भी मान मिल गया, y का भी मिल गया। तो ये होता है, कौन सा मेथड होता भैया, ये कौन सा मेथड होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, प्रतिस्थापन मेथड होता है। इस तरह से x का मान 1 आ गया और y का मान देखो 3 आ गया, दोनों समीकरण हल हो गए, है ना, कितना आसान। जल्दी नोट करिए इसको, उसके बाद आगे चलिए। कितना आसान है ना प्रतिस्थापन विधि, चाहे इसको बताएं चाहे नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखने को आता कहीं, सिर्फ हल करना होता सवाल बस। एक दूसरा सवाल आपके सामने है, युगपत समीकरण है ये, इसको भी हल करके आपको x और y के मान निकालने हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान देना। पहले हम फर्स्ट समीकरण पकड़ेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल आएगा 16 − y, इसे आप जानते हो, बड़े आराम से कर लोगे प्यार से, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड बन जाएगा। क्योंकि हम x को वैसे रहने देंगे, 16 को वैसे रहने देंगे, लेकिन y को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ से जो x का मान आपका आया है इसको किस में रखोगे, भैया x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला था तो अब हम इसको 2 में रख देंगे। अब नीचे लिखो समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये चीज़ आप लिखना ज़रूर, ठीक है, ध्यान दो ना।
लिखने पर। हाँ, अब क्या करोगे, यहाँ पे आप ध्यान दो, अब देखो क्या करोगे, इसको रख लोगे समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में। समीकरण दो कौन सा है, ये है ना, चलो हम इसको लिखते हैं 4x प्लस 7y इक्वल का 36। इसमें क्या करना है, हमें x का मान रखना है। देखो x आपके सामने है, आपके साथ x है, ये है, तो 4 को ऐसे लिख लो, x का मान 16 माइनस का वाई, ये हो गया x का मान, और प्लस 7y इक्वल 36, इतना पक्का है। अब यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, कैसे, गुणा कर लो, तो 16 चौका ये 64 हो जाएगा, माइनस ये 4y हो जाएगा, और प्लस ये 7y बराबर 36। नीचे आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बता देना, दिख रहा है, एक लाइन और हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस घट जाएगा बच्चा, तो घट जाएगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा, चूँकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, 3y बराबर का 36। लेकिन यहाँ से अभी मान नहीं निकलने वाला है, चूँकि यहाँ पे उतना सिस्टम नहीं है, गड़बड़ है, जगह नहीं उतना। तो यहाँ आप क्या करोगे, 3y बराबर, देखो अगली लाइन करोगे, उधर 36 पहले से है, ये 64 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 64 हो गया। अब घटाओ इनको, y बराबर, आपको पता है 36 64 इनको आपस में घटा लो भाई, सिंपल सी बात है, इनको आपस में घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, और इसमें से एक उधार गया, तो ये बच्चा 5 में से 3 गया 2, यानी 28 हो गया। हाँ, जोड़ लो दोनों, देखो 56 आता है, मेरा मतलब घटाना सही है गलत है, 8 से 14 4 हाँ सी ले, 3 2 5 1 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/3। इतना क्लियर है, आप इन बातों को आगे बढ़ाओ, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो बता दो, बिल्कुल कोई मिस्टेक है नहीं ना, यानी आपको y का मान मिल गया। अब क्या करोगे बच्चा, देखो x का भी मान निकालना है, अब लिखो y का मान समीकरण तीन में रखने पर। आप नीचे लिखो, आपके नीचे जहाँ भी जगह है, मतलब पहले इतना करो, फिर इतना करो नीचे तक, उसके बाद फिर इतना करो, अब तो नीचे जगह होगी, नीचे करते चले जाना, उसके बाद फिर लिखो समीकरण, हाँ y का मान समीकरण तीन में रखने पर। तो समीकरण तीन आपको मिला था भैया, पहले ही मिला था, x इक्वल 16 माइनस वाई, वाई का मान आया है, जो भी आया है रख लो, 28/3 आया है, इनको हल कर लो भैया, तिरछा गुणा करोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो 16 3 48 हो जाएगा, माइनस 28/3 हो जाएगा। हाँ, अब हम मिटा सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, मतलब यही थोड़ा सा, एक छोटा सा करना है, ना मिटाऊँ मैं, जाने दो, मत मिटाओ, जाने दो, मैं फाइनल कर देता हूँ, इधर घटा लो, हाँ 20 आएगा ना, 20/3, यानी x की वैल्यू 20/3 आ गई। लेकिन हमें कुछ गलत लग रहा है क्या, x वाला भाई, x का कुछ गलत लग रहा है, ये जुड़ जाएगा क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये जुड़ जाएगा क्या, हाँ ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक क्या किया, देखो पूरा देखोगे सब समझ में आएगा, ये माइनस में आएगा ना आंसर, चूँकि 64 जो है बड़ा है और चिन्ह माइनस में है, इसलिए यहाँ ये माइनस में आएगा, तो y का जो वैल्यू आया आपका वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, तो यार ये सबट्रैक होगा, अंदर में भी माइनस रहेगा, प्लस ये बाहर भी माइनस रहेगा, तो फाइनल में ये माइनस माइनस कोष्ठक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ करके ये कितना हो जाएगा, ये आपका 76/3 आ जाएगा, और ये माइनस का 28/3 आएगा। यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, माइनस ज़रूर लगाना, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है भाई, 36 से तो 64 घटेगा नहीं, उल्टा घट रहा है, तो ये आपका x और y का मान हो गया, नोट कर लो जल्दी से, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जल्दी करिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिए। ये 4 सवाल आपके लिए होमवर्क हैं, आप इनको जल्दी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल करना, उसके बाद फिर हम आपको अगला मेथड बताने चल रहे हैं, तुलनात्मक विधि जिसे आप बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, तो इनको नोट कर लो जल्दी से, बहुत जल्दी नोट करो, चूँकि ये बहुत कम समय है नोट करने का, 20 सेकंड आपका हो गया, आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड से कैसे हल करते हैं युगपत समीकरण। ध्यान देना, जैसे उसमें आपने देखा था कि किसी एक समीकरण से एक्स या वाई किसी का मान निकाल करके दूसरे में ले जाके ढकेल देते थे, आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से तुलना करना है, कंपेयर करना है, वो कैसे करना है ध्यान दीजिए, हमें दोनों समीकरण से किसी एक समान राशि का मान निकालना है, जैसे इसमें से चाहे एक्स का मान निकालेंगे एक से, तो दूसरी से भी हम एक्स का मान निकालेंगे और दोनों मान को बराबर कर देंगे,
किसी एक का मान आ जाएगा, और जिसका आ जाएगा उसका मान किसी एक में रख देना समीकरण में, चाहे तीन चार किसी में भी आ जाएगा, एक नया मान आ जाएगा, चलो दोनों हो जाएगा। चलो ठीक है, समीकरण एक से आप लिखो, समीकरण एक से अब यहाँ से क्या करोगे भाई, एक्स का मान निकाल लो बाबू। तो समीकरण एक से जब यक्स का मान निकालोगे तो आपको पता है कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा झंझट उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सब प्लस प्लस हो जाएंगे, यानी आप कह सकते हो कि 4y प्लस 22 अपान 3 ये हो जाएगा इसका मान। इसे आप नोट करो जल्दी से। हाँ लेकिन ये कौन प्लस में था कौन माइनस में, पहले ये चीज़ ध्यान दो, दोनों माइनस में है यहाँ पे। हाँ दोनों माइनस में है, तो ये दोनों अगर उधर जाएंगे तो एक प्लस एक माइनस तो रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, रुको आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो एक एक को उधर भेज सकते हो, आप अगर 3x माइनस 4y को इधर रोक लो, उधर 22 को भेजो तो ये प्लस हो जाएगा पहले से, फिर आप एक बार 4y को उधर भेजोगे इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे ही हो गया। फिर 3 इधर गुणा में था इधर भाग में हो गया, इतना तो आप जानते हो ना, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, वैसे मैंने बेसिक में सब सिखाया कैसे क्या होता है। तो ये आपका समीकरण एक से हो गया, इसे आप बना लो कि समीकरण 3 हो गया, क्या बना लो, चलो समीकरण 3 मान लो, आपकी बुक में भी ऐसे ही कुछ किया गया जिससे आपका संतुलन बना रहे हैं। उसके बाद अब क्या करोगे, समीकरण 2 से भी x का मान निकालो, किससे, समीकरण 2 से, 2 से इससे भी सिर्फ x का मान निकालना, कोई और y का मत निकालना। तो भैया जब इसमें से x का मान निकालोगे तो आपका क्या आएगा पता है, x बराबर, आप अगर इधर ध्यान दो, ये 13 उधर जाएगा जब तो माइनस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, चूंकि इधर माइनस में है तो उधर प्लस में होगा, इधर प्लस में उधर माइनस में होगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3y और ये माइनस का 13 और नीचे आ जाएगा बाबू 4, कितना आ जाएगा 4, 3y माइनस 13 अपान 4 आ जाएगा। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इतना नोट कर लो, x के मान आ गए दोनों अलग अलग। अब आप नीचे लाइन में लिखो, हमारे पास नीचे जगह नहीं तो हम बगल में लिखेंगे, आप नीचे लिखो, आपके कॉपी में जगह है तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 वहाँ, भाई इसका नाम ही है तुलना करना एक दूसरे की, जैसे आपने देखा होगा तुलना करते हैं कि हम दोनों मित्रों में किसको ज़्यादा आता है किसको कम आता है, दोनों को एक समान सवाल देते हैं फिर हल करते हैं दोनों लोग, देखते हैं कौन सही कर लिया कौन गलत किया और कौन जल्दी किया कौन देर में किया ना, तो ऐसे हमें क्या करना, तुलना करना है, हम इन दोनों का एक एक मान निकाल लिए, दोनों को बराबर करके टक्कर कराएंगे कौन जीतता है। चलो अब आगे लिखो, समीकरण 3 व 4 से एक्स के मानों को बराबर करने पर या तुलना करने पर लिखो, समीकरण 3 व 4 से, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ बस, टेंशन मत लेना। हाँ लिखो समीकरण 3 व 4 से, मैं ऊपर लिखता हूँ फिर, अब यार ऊपर लिखने गड़बड़ा जाएगा, जाने दो बगल में, समीकरण 3 व 4 से यक्स के मानों की तुलना करने पर, एक्स के मानों की तुलना करने पर, तो यक्स के दोनों मान बराबर करो। चलो पहला मान आया था भाई ये 4y प्लस 22 अपान 3, इसके बराबर करोगे 3y माइनस 13 बराबर 4, क्या है ये 3y माइनस 13 बराबर 4, इनको आपस में हल करो, यहाँ से आपको y का मान आएगा, वाई का मान जो आ जाएगा उसको आप ले जाके किसी समीकरण में रख देना, आपको सारा मान मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तो इनको आप नोट करते चलो, चूंकि हम इनको मिटाएंगे अगर ज़रूरत लगी तो। हाँ हाँ तो जल्दी करो, इनको हल करो जो मैंने लिखा बराबर में, अब हल करते हैं। देखो इनको हल करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप 1/2 बराबर 1/5 अगर इसको हल कर सकते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। ध्यान दो कैसे भाई, इसको ऐसे करते हैं ना, 5 एक कम 5 और ये 2 एक कम 2, इसको जानते हो ना। लेकिन हाँ यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लगाओगे, याद रखना बस ऐसे होता है, 5 एक कम 5 2 एक कम 2, ऐसे तिरछा गुणा कर लेते हैं काम ख़त्म। तो वैसे इसमें भी हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे एक दूसरे में, तो 4 से इधर गुणा कर लो तो ये 4 चौका 16y हो जाएगा, और धन 4 का गुणा कर लो किस में, 22 में कर लो बच्चा, तो ये 22 चौका 88 हो जाएगा, यानी 4 से गुणा इधर दोनों में हो गया। अब 3 का गुणा उधर दोनों साइड में कर दो तो 3 3 का 9y हो गया, माइनस 13 3 39 हो गया, हल कर लो आसान है, 16y उधर से माइनस में आएगा y तो इधर माइनस में हो जाएगा, 9y हो गया, और बराबर ये माइनस का 39 उधर जैसे था वैसे लिख लिया मैंने, उसी के हालात पे छोड़ दिया, इधर का 88 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से इनको घटाओ, 9 7 16 होता आपको पता है 7y आएगा, इनको जोड़ोगे दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे जैसे एक दूसरे जैसे हैं, 8 और 9 जोड़ोगे 9 8 17 का 7 हासिल आया कितना, 1 8 3 11 1 12 127,
ये हो गया, यानी वाई का जो वैल्यू आया 127/7 आया, कितना आया 127/7। आप इसको लिखो ये सही है कि गलत है पहले मुझे ये बताओ, इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है अभी भी, चूँकि ये कहीं जुड़े घटेगा कुछ गड़बड़ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ भाई, कहीं चिन्ह का गड़बड़ हुआ है। चलिए हम इसको एक बार वेरीफाई कर देते हैं गड़बड़ कहाँ हुआ, ये कोई कंफर्म नहीं है, वैसे मुझे लग रहा था कि इतना मतलब अजीब सा आ गया, कटे पिटेगा नहीं, बाकी कोई कंफर्म नहीं कि गड़बड़ है ये, तरीका मैंने सही किया, गड़बड़ नहीं हो सकता है। देखो अगर इसे काटोगे तो 7 + 7 ये कटेगा ही नहीं। अब चलो एक बार फिर से वेरीफाई कर देते हैं, आपको फटाफट देख लो, हो सकता है आपके बुक में ये क्वेश्चन है, आप कहीं माइनस प्लस में अंतर दिया हो तो उत्तर अलग आएगा। हमने इसमें क्या किया, इसमें से एक्स का मान निकाला, एक्स बराबर 4y को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 22 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 इधर गुणा में था नीचे आएगा, ठीक है। दूसरे समीकरण में आ जाओ, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, ये इतना पूरा उधर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये देखो लिख दिया 4 जो है इधर गुणा में इसके साथ में आया, भाग में हो गया, इतना हो गया। दोनों को मैंने बराबर किया, जैसे थे वैसे ही, देखो ये माइनस में था माइनस में किया, ये प्लस में था प्लस में किया, क्रॉस मल्टीपल किया, 4 से गुणा करो 4 हो जाए 16, और 4 का 22 में करो तो 22 जा 88, 3 जा 9 एंड 13 जा 39, ओके। 16y ऐसे उतार लिया, माइनस का ये 9y कहाँ से आया, क्योंकि उधर पॉजिटिव है प्लस है, इधर आएगा माइनस हो गया, 88 उधर गया माइनस हो गया, माइनस माइनस उधर जुड़ गए, 9 + 8 = 17 हासिल आया कितना 1, हाँ सही है, तो 27 + 10 = 37 = 39 ठीक है, मतलब सब ठीक है, ठीक है y का मान आ गया। अब क्या करोगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, लिखो लिखो जल्दी से, समीकरण 3 से y बराबर 7 रखने पर, ओ सॉरी 7 नहीं, समीकरण 3 कहाँ आया था, ये आया था ना, लिखो या फिर यहाँ रख दो चाहे जहाँ रख दो, चलो 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में y बराबर, समीकरण 3 में देखो पहले इतना करोगे इधर, इतना करने के बाद इधर करोगे इतना, अब उसके बाद ऊपर जो कर रहा हूँ इसको करो, लिखो समीकरण 3 में y बराबर 127/7 रखने पर, तरीका सही सही करना, बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, कोई टेंशन की बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चा ये x बराबर आया था 4y प्लस का 22/3 आया था, यहाँ पे y का मान रखना है, प्रतिस्थापित करना है, चलो कर देते हैं, हमें x और y के मान निकालने थे। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए अगर आपने बातों को लिखा नहीं है तो, नहीं तो आप एक बार समझ लीजिए, दोबारा आप वीडियो को चला करके लिख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप YouTube पे या Facebook पे डेमो देख रहे हैं तो। चलिए तो x बराबर y का मान रखो 4 × y, y का मान क्या है भाई 127/7 और धन ये 22, इतना ध्यान में रहना चाहिए। अब पूरी लाइन बड़ी से खींचो, नीचे 3 लिखो, यहाँ पे 3 मत लिखना इसके नीचे, नहीं सारा गड़बड़ा जाएगा। हाँ x का मान निकालो, ये कटे पिटेगा नहीं, आपस में गुड़ा हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिखो, ये आपस में हल होंगे, इनकी टक्कर होगी तभी कुछ होगा, बाकी हल करने वाले लायक नहीं है ये, हल करो 4 का गुड़ा कर लो, 4 × 7 = 28 हासिल 2, 4 × 2 = 8 × 2 = 10 हासिल 1, 4 × 1 = 5, 4 × 7 = 28 = 8 हासिल 2, 4 × 2 = 8 = 10 हासिल 1, 4 × 1 = 5, इतना हो गया क्लियर, हमने इसका गुणा कर लिया। नीचे 7 है, 7 लिख लो, धन 22/1 है ऐसे लिख लिया, और पूरा का बटा नीचे 3 लिख लो, इनको हल करो आपस में, जो भी आएगा इनका मान क्लियर कर लो आप। y का मान तो मैंने नीचे लिखा है, देखो कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा करना पड़ सकता है, चूँकि जो क्वेश्चन बुक में दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक चिन्ह में डिफरेंस लिखा था उत्तर में, तो डिफरेंस आएगा, हाँ यानी क्वेश्चन जैसे रहेगा आंसर हमें उसी के अकॉर्डिंग लाना है, कोई बदलाव नहीं करना है। तो अब हम इसको फिर हल करेंगे, क्या मुसीबत है, क्रॉस मल्टीपल करो, 508 का 1 में करोगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, लिखो x बराबर, ये 508 का 1 में करोगे 508 ही रहेगा, 7 का इसमें कर लो तो 7 × 14 = 15 = 154 आएगा, नीचे कर लो ये 7 हो जाएगा, हाँ नीचे ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ अगर ध्यान दो तो ये सब फ्रैक्शन के रूप में थे, लेकिन 3 अकेला था तो हम 3 के नीचे 1 छुपा सकते हैं, ये हमारा 4 पद में बन गया, 4 पद में बन गया हमारा काम बन गया, बाहर बाहर का गुणा कर लो, अंदर अंदर का कर लो, यानी ये जोड़ लो ऊपर ऊपर का, और इनका किस में गुणा करोगे, 1 में करोगे, 7 का 3 में करोगे, तो ऊपर जोड़ लो भैया,
ऊपर आप जोड़ोगे कितना आएगा? जोड़ लो, या फिर ऐसे भी आप रहने दिया दे सकते हो, 21 से कट जाएगा क्या? ये 7 से कटेंगे ना, 7 दूना 14 कट जाएगा ना। कुल मिला के इसको फाइनल कर लो, आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। चलो मैं जोड़ ही लेता हूँ या फिर काट दो, जैसे यहाँ पे चीज़ समझ लो पहले। देखो अगर मैं आपको बताऊँ कि भैया 5 में धन 4 जोड़ना है, हाँ नीचे 3 से भाग देना है, तो ये 3 से तो कोई कटेगा नहीं अभी, ना 5 कटेगा ना ये कटेगा, कोई नहीं कटेगा, तो कोई कटेगा ही नहीं कि काट दें 3 से 5 काट दें या कुछ काट दें। लेकिन अगर मान लो ये ऐसे रहा तो 3 से 9 कट सकता है ना, चलो देखते हैं सही होता गलत। तो इसको हम अगर काट दें तो 3 आएगा, यानी कुल मिला के 8 हो, कितना आएगा? 8 उत्तर आएगा अगर हम काट दें तो ना, ऐसे काट दें तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ लें आपस में तब काटें तो क्या होगा? तब तो ये कटेगा नहीं, 9 5 14 हो जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका सही है? पहले काटना सही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या आप काट सकते हो कि नहीं। तो ये है गलत, आप इनको नहीं काट सकते हो। अगर ये गुड़ा का चिन्ह होता बीच में तो आप काट सकते थे इनको अलग अलग, लेकिन ये गुड़ा का चिन्ह नहीं है, ये खुद ही अधूरे हैं बेचारे, तो इनको आप काट नहीं सकते हो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। हाँ तो आप इनको क्या करोगे, काट नहीं सकते हो, ऊपर जोड़ लो। 8 4 12 का 2 भाई ये 4 8 12 का 2 हासिल 1, और 5 का 0 में जोड़ो तो कितना आएगा? 5 ही रहेगा, और 1 हासिल हो गया, और 1 को 5 में जोड़ो 6 हो गया, नीचे 7 3 21 हो गया। इस तरह से आपका x का मान आ जाएगा 612/21। अगर इन्हों आप काटने की कोशिश करो, 3 से काटो तो कट जाएंगे, 7 से काटो तो 7 8 56 7 से भी कट जाएगा, काट लो आप इनको बड़े प्यार से, ये कट जाएंगे भैया। तो 7 से काट लो, 7 8 56 7 8 56 5 आएगा, 52 नहीं कटेगा, ये 3 से ही कट सकता है। तो 3 2 6 और 3 4 12 3 7 21 यानी 204/7 आएगा। कितना आएगा? 204/7, ये x का मान आएगा, y का मान 127/7 आएगा। देखो काफ़ी बड़ा हो गया कैलकुलेशन ना, लेकिन कुछ भी हो जाए हारना नहीं, सिर्फ आपको हल करते जाना है। तो नोट कर लीजिए, आपका ये हो गया तुलनात्मक विधि, हो गया कंपेरिजन मेथड, हो गया, जल्दी करिए, नोट करिए, फटाफट आगे बढ़िए। अब देखिए अगला है विलोपन विधि। देखो बच्चा विलोपन विधि क्या होता है, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये। इसमें पहले समझ लो कुछ फंडा, समान गुणांक वाले समीकरण, असमान गुणांक वाले समीकरण। तो अगर गुणांक समान है तो बड़ा आसान होता हल करना, अगर गुणांक असमान होते हैं तो उनको समान बनाया जाता है। जैसे ध्यान दो, गुणांक क्या होते पहले ये देख लो। जैसे अगर मैंने लिखा है 9y/5, तो इसमें y का घात 5 का गुणांक 9 है, यानी उसके साथ जो गिनती वही क्या है, गुणांक है। अगर मैंने लिखा 11x, तो इसमें x का गुणांक क्या है बच्चा, 11 है, यानी दिए गए जो x, y या a, b, c, d जो मान होंगे यानी चर होंगे, चर के साथ में जो अचर पद लगे होते हैं वही गुणांक कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें समान असमान गुणांक की, तो आप देखो 4x + 7y = 21 है, इसमें 3x - 7y = 17 है। इसमें अगर आप देखो तो दोनों में y गुणांक क्या है, एक समान है, दोनों में 7y है ना। तो इस तरह के समीकरण को हल करना आसान होता है, इनको डायरेक्ट जोड़ दो या घटा दो, ये कट पिट जाते हैं, यानी वाई के मान खत्म हो जाएंगे, एक्स का एक मान आ जाएगा, वो मान अगले में रख देना, हो जाएगा। लेकिन जो असमान होते हैं इसमें एक स्टेप और करना पड़ता है। इसमें देखो 9y है, इसमें 2y है, इसमें 21x है, इसमें 28x है, मतलब दोनों में कोई बराबर नहीं है, ना यक्स एक्स बराबर है, ना वाई वाई बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इनमें हम क्या करते हैं, अगर हमें y बराबर करना है तो हम 2 का गुणा 9 में करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 का गुणा 2 में करेंगे ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि 9 का गुणा 2 में कर दें और 2 का 9 में कर दें, बस काम चल गया, नहीं। अगर हम 2 का गुणा 9 में करेंगे तो हम 2 का गुणा 21 में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे, भाई एक समान होना चाहिए, समीकरण बैलेंस रहना चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर पूरे में कर देंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में 9 का गुणा करने पर पूरे समीकरण में, ये चीज़ करते हैं। चलो देखो आगे कैसे इनको हल करते हैं, ध्यान दीजिए, आपके लिए बड़ा ही आसान है इनको हल करना, बहुत ही ये प्यारा सवाल है, आप देख लो ध्यान से। पहले हम इनको हल करेंगे फिर उनको बाद में हल करेंगे। यहाँ से हमें क्या करना बच्चा, मान निकालना है, किसका किसका मान निकालना है हमें, यहाँ से हमें मान निकालना है x या y दोनों का। ये समीकरण दिए, इनको हल करके x y का मान निकालना है, आपके पेपर में आएगा कि दिए गए युगपत समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कीजिए। आप देखिए इसमें x के मान समान है ना, तो चाहे आप लिख सकते हो एक लाइन, क्योंकि दिए गए समीकरण के y के गुणांक एक समान है, अतः समीकरण 1
वह समीकरण दो को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे जब हम तो इनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो चार तीन क्या हो जाएगा भैया, ये चार तीन क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। जैसे हम इसे जोड़ लेंगे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हाँ ये कट जाएगा चूँकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। ये भी जुड़ जाएगा जब वो जुड़ रहा था, ये भी जुड़ जाएगा। वैसे तो इसको इधर ले आते हो तो चिन्ह तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो जोड़ लो 7x8 और 2x3। हाँ तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 38/7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, x का मान हो गया। लेकिन ये समीकरण मैंने खुद से बनाया था, इस वजह से जो x y के मान आएंगे बड़े अटपटे आएंगे, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा आसान सवाल दिया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता ना। तो ये तो हो गया, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देखो उसको, देखिए वो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए मैंने एक छोटा सवाल लिया। इनको ध्यान से देखो क्या करेंगे बच्चा, 2x + y = 8 है और ये ऋण है ना, इसमें y देखो बराबर है, गुणांक बराबर है, यहाँ पे भी गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि दिए गए दोनों समीकरण में y के गुणांक बराबर हैं, अतः दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो जोड़ोगे तो ये 2 × 2 = 4x हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ से आप निकालोगे तो 12/4 बराबर क्या आएगा, x का मान 3 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया चूँकि आसान है, अगर आप उसको करते जो अभी कर रहा था तो पहला सवाल था आप थोड़ा सा उब जाते हैं। अब क्या करोगे, यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है 2x + y = 8 है, यक्स का मान रख दो 3 आया है तो 3 रख दो यक्स की जगह पर, बराबर 8 हो गया। ये हो गया 6 + y = 8 हो गया। तो बच्चा यहाँ से y बराबर निकालोगे, 8 - 6, y का मान आपको 2 मिल जाएगा। आपने देखा कितनी जल्दी इसमें यक्स और वाई दोनों के मान आ गए ना, वाई का मान 2 आ गया। नीचे अगर नहीं दिख रहा तो देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, वाई का मान कितना आया, 2 आ गया। वाई का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आपने हल कर लिया समान गुणांक वाला। जब गुणांक असमान हो तो कैसे हल करते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे 4x - 3y और +7 = 0 और 3x + 4y - 26 = 0 को हल कीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो बच्चा, तो यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे -3y है, यहाँ पे प्लस का 4y है, ये भी अलग है। मतलब ना तो x वाले गुणांक समान है, ना y वाले समान है, सब अलग अलग हैं। तो कैसे करेंगे ऐसी स्थिति में, हम ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है। नीचे आप लिखोगे हल, हल लिख के आप दोनों समीकरण को लिखो पहले बराबर में, तब आपको कुछ दिखेगा। ये समीकरण एक है, समीकरण दो लिखो, 3x + 4y - 26 = 0, ये समीकरण दो है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से चाहे तो x वाले गुणांक को बराबर करने हैं या y वाले को बराबर करने हैं, किसी एक को बराबर करना है। लेकिन बराबर कब होगा, देखो ये 3 है, ये 4 है, दोनों बराबर कब होंगे, कि दोनों 4 हो जाएं या दोनों 3 हो जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन अगर समीकरण एक में 3 से गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और समीकरण दो में 4 से कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा, ये हो सकता है। बाकी 3 और 4 दोनों हो जाएं, दोनों 4 हो जाएं या दोनों 3 हो जाएं, संभव नहीं है ना। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यक्स के गुणांक को बराबर करने के लिए, लिखो यक्स के गुणांक को बराबर करने के लिए, यक्स के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण एक में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर ध्यान देना, समीकरण एक में 3 से। तो बच्चा इसमें 3 से गुणा करोगे तो आपको पता है 3 × 4 = 12x - 3 × 9i धन 3 × 7 = 21 = 0। तो ये समीकरण 2 था, तो आप समीकरण इसको 3 बना लो। हाँ, समीकरण 2 में किससे कह रहा है, समीकरण 2 में 4 से, इसमें 4 से करो, चाहती आएंगे 12x धन ये 4 × 16y माइनस 4 से करो 4 × 24 = 4 4 × 2 = 8 = 10 फिर से कर लो 4 × 24 = 4 4 × 2 = 10 = 0। ये हो गया समीकरण 4। अब ध्यान देना, इनको क्या करोगे, एक्स के मान दोनों में बराबर हो गए, अब इनको आप क्या करोगे बच्चा, भाई सिंपल सी बात है, बराबर हो गए, इनको जोड़ लो। जोड़ोगे लेकिन सब जुड़ जाएंगे, कोई कटेगा नहीं, इनको घटाओगे। हाँ, अब लिखो नीचे चाहे तो लिख लो, या फिर देखो बुक वुक में आपके तो लिखे उखे नहीं है भाई, तो अगर आप लोग कहो तो हम लिख दें, लेकिन लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ तो चलो करते हैं। अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर देखो, जोड़ देते तो हम, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, कोई मान नहीं आएगा, लेकिन घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदलता है, तो ये कट जाएगा, ये भी चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये घट जाएगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 16 × 9 = 25 25y और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा बच्चा, तो दोनों जुड़ जाएगा, 21 में 4 जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता है y का मान निकालोगे, माइनस का 125
और ये 25 इधर जाएगा, इसके नीचे फटाक दे गिरेगा तो 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125, आपको पता है यहाँ से वाई का मान 5 आया। कितना आया? वाई का मान 5 आया। इसको लिखो जल्दी करो, वाई का मान कितना हो गया? 5 हो गया। हाँ, लेकिन प्लस में 5 आएगा या माइनस में आएगा यार, ये तो मुसीबत है। वाई का मान यहाँ पे देखो, ये दोनों माइनस माइनस है, जुड़ेगा तो माइनस का 25 होगा, ये नीचे भी माइनस रहेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। फाइनल में क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। और ये माइनस कैसे हुआ? ये चूंकि उधर गया इसलिए माइनस हो गया, तो वाई का मान 5 आ गया। अब लिखो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, लिखो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर। तो बच्चा देखो, समीकरण एक आप जान रहे हो ना कहाँ है, ये ऊपर है। हाँ, जिनका छूट गया है, कुछ भी छूट गया है, वो वीडियो थोड़ा सा पीछे करेंगे, फिर से आ जाएगा, देख लेंगे। ये मत सोचना कि ये छूट गया तो छूट गया। हाँ, अगर आपने कुछ नहीं लिखा, थोड़ा मिस हो गया, वीडियो थोड़ा पीछे कर लो 10 सेकंड, फिर से देख लो। अब इसमें वाई का मान 5 आया है, हम 5 रखेंगे तो ये 4x-3×5 हो जाएगा, वाई की जगह पे 5 + 7 = 0 हो जाएगा। इस तरह से हम हल करेंगे, 3x-3×5=15 हो जाएगा, 7 = 0 हो जाएगा। आपको पता है माइनस प्लस, बच्चा ये घट जाएगा, तो 4x-8=0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x = 8, क्यों? क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा, 8 प्लस में हो जाएगा। तो x = 8/4, यानी x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। हमें x और y का मान निकालना था, कितना आसान है ना। तो ये था, असमान गुणांक जब हों तो उनको एक समान कर लेते हैं, फिर उनका एक समान करने के बाद में क्या करते हैं भैया, हल कर लेते हैं, एक्स वाई के मान आ जाते हैं। कितना आसान मेथड है ना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच आप बता दो फटाफट। उसके बाद आप मेथड तो सीख गए हो, इस तरह से करना, ट्राई करना। कुछ हम होमवर्क दे देंगे, आप उनको घर पे करना, लिख लो इतना जल्दी से, देर मत करो, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, जल्दी करिए। अब हम आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे, हाँ होमवर्क लिखो जल्दी करो। ये आपके लिए 5 सवाल होमवर्क हैं, आप इनको लिख लो जल्दी से। और आपका इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो गया। इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में देंगे, आप लोग इन्हें बड़े ही ईमानदारी से देखिए और समझिए और नोट करिए, जल्दी से लिख लीजिए, होमवर्क है आपके लिए, जल्दी लिखिए फटाफट, देर मत करिए। और वीडियो को रोक लीजिए अगर हो सके तो, स्क्रीन टच कर लीजिए, जिससे कि आपका मतलब लिखने में अगर स्पीड भी कम है तो कोई दिक्कत ना हो। इन्हें होमवर्क को जरूर करना। और जो बच्चे अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर डेमो देख रहे हैं, तो वो PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि उनको इकट्ठा इस तरह से क्लास मिल सके और वो जल्दी से जल्दी पूरा पढ़ सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।